अच्छा जी लाइक like करें सब्सक्राइब uh, करें शेयर करें कमेंट करें विच गोज विदाउट से पहले इन्होंने ये उठा के नीचे फेंक दिया था फिर मैंने अपनी रोजी रोटी को खुद लात मारने में काफ़ी कमाल है बट आई वेट टू स्टार्ट ऑफ वे द मैच Hmm. Uh, फिर से वही बात है कि क्रिकेट पे हम बात करते हैं तो आप लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है लेकिन अब क्या करें कि पूरे मुल्क में एक सो की किसी कैफियत है मैं आपको सही बात बताऊँ आई थिंक वन ऑफ़ द रीज़न वाई टू वॉच दिस वर्ल्ड कप इन पीस एंड दैट पीस हैज़ बीन टेकन अवे बाय माई टीम और मेरे ख्याल से अब मेरे से ना मजीद वो लिपा पोती भी नहीं हो रही है कि नहीं बहुत क्यूट टीम है बड़े अच्छे हालात हैं बहुत फील गुड फीलर्स है आई डोंट फील लाइक सेइंग एनी ऑफ दैट नहीं मैं आपको बताऊं क्या आप अच्छी क्रिकेट का लुत्फ़ लें आप अपनी टीम बना लें साउथ अफ्रीका को मुझे इस बार बड़ा उनसे उम्मीदें हैं बड़ी एक्साइटिंग क्रिकेट खेलेंगे दूसरी चीज़ ये है कि आप जाहिर है मैंने तो अपने बहुत सारे दोस्तों को पहले बता दिया था कि कल कल के मैच को जो भी कह रहा है ना कि अपसेट इट्स नॉट एन अपसेट मैंने बहुत सारे दोस्त अच्छा अब जाहिर लोग कहेंगे कि इससे खबर पड़ता है कि दोस्तों को बता दिया था तो दोस्तों को पता नहीं क्या कुछ बताया होगा आपको याद होगा मैंने इमामुल हक की स्टेटमेंट को ट्वीट भी किया था hmm. कि पहले पंद्रह ओवर तो आप लोगों ने देखने ही नहीं ठीक है प्रॉब्लम ये है कि और उसके बाद भी मैंने ट्वीट की थी कि अगर हम हारते हैं जब मैच चल रहा था तो मैंने कहा था अगर हम हारते हैं तो बॉलिंग का कोई कसूर नहीं है इट इज नॉट अच्छा इस पे वो सारे आगे कि नहीं ये डिफेंडेबल टोटल था पाकिस्तानी बैटिंग अच्छी थी नहीं थी। नहीं, थी। थी। I'm sorry, नहीं।, 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 आप इस चीज को समझें जब क्रिकेट जिस तरफ जा रही है ना ये और जिस तरह की मतलब फटे बनने शुरू हो गए ठीक है कि वो स्पिन जो है वो स्लो आ रही थी बॉल के, बैट के ऊपर या वोटेवर लेकिन इस बात को जरा समझिए कि अब क्रिकेट इज मोर एंड मोर जो है ना वो टेप बॉल टाइप होती जा रही है सो आपके भाई ने ना कार्सन से लेके मॉडल टाउन तक कोई ग्राउंड नहीं जिसपे मैच ना खेला हो मसला ये है कि छे ओवरों के मैच में ना 120 होना ही होना होता है जैसे मर्जी बॉलर बॉलरों आप अगर वो चेज़ नहीं कर सकते या आप बैटिंग फर्स्ट वो नहीं कर सकते तो मसला बैट्समैन का है बॉलर का मसला नहीं है मतलब आपने फाइनली यू वांट द टॉस एंड देन यू डिसाइडेड टू बैट मतलब कुछ सोच के ही कहा होगा ना कि फल्ला आज तो हमने कमाल कर दी है बिकॉज वी हैव चोजन टू बैट फर्स्ट राइट एंड देन उसके बाद वो जहाँ आपको चार जैसे टोटल मिल रहे हैं जहाँ आपको तीन से ऊपर वाले टोटल मिल रहे हैं उसी के ऊपर हम दो सौ पे आउट होकर कहते हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बेहतरीन है वेल डन फंटेस्टिक

ऑल्सो इट कम्स डाउन टू द फील्डिंग जिस तरह से वो सिंगल्स अपनी निकाली जा रहे थे निकाले जा रहे थे ठीक है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि रोकना है कहाँ फील्डर खड़े करने हैं नो दूसरा मेरे तो दिल के जो वर्ल्ड कप विनर्स हैं ना आपसे वो तो हो चुके हैं इंग्लैंड उसकी वजह ये है कि उस दिन उनका मैच था कोई वो चार सौ रहे थे उनसे नहीं हुआ वो बाईसवें ओवर में आउट होकर घर चले गए ना उन्होंने टाइम ज़ाया किया ना उन्होंने ये दिखाया कि नहीं अच्छा उस पर ना मैंने जब उनकी तारीफें की तो नीचे ना लोग आ गए कि हो क्योंकि उन्होंने ओवर्स पूरे नहीं खेले तो उसकी वजह से उनका रन रेट बढ़ गया है वो नीचे भाई अगर आपने रन रेट वाली चेत चलाकियों से सेमीफाइनल में पहुंचना है ना तो आप भाईजान रहने दें पहुंचे मैच जीत के आई मीन या आई मीन जिससे उस दिन नेदरलैंड ने जो साउथ अफ्रीका के साथ किया ठीक है ना और वो सारे चोकर चोकर लगे थे नो इट वाज अ ब्यूटीफुल मैच ठीक है जिस तरह से लगे हुए थे ना साउथ अफ्रीका के पता ही नहीं चला कि उनके साथ हुआ क्या दैट दैट इज इज द द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट आस्क फॉर मैच और इंग्लिश टीम की तो मैं ये बात कहती हूँ बल्ला उठाते हैं वो जल्दी आउट हो या वो अब लेट आउट हो अली वो इतना मज़ेदार खेलते हैं ना इतना एंटरटेन करते हैं ना कि बंदा पैसे वसूला है हमारी ही एपिसोड है जिसका टाइटल है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फ्रॉड पकड़ा गया वो जिस जिसने नहीं देखी देखें जिसने देखी हुई दोबारा देखें ये पूरा एक बकायदा फ्रॉड चल रहा है जो पाकिस्तानी कर रहे हैं ताकि इनको टीम सेन का ये अपनी अपनी ऊपर वाले फिफ्टियाँ मारते हैं स्लो और नीचे आगे कहते हैं कुटोन ये इस तरह से अब आइंदा नहीं चल सकता ये हम कह रहे हैं मुझे कहते हुए दस साल हो गए हैं मज़ीद और पाँच दस साल में यही कह रहे होंगे आप आप so you know, नहीं नहीं, आप नहीं आप नहीं 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 पाकिस्तान का का कर लेंगे ही yeah. ये कि देखो भाई ये हमारी क्रिकेट है हाँ। हम तो ऐसे ही खेलेंगे सर अच्छा, व्हाट ये, 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 ये जो है ना कि हमारी क्रिकेट यही है हम हम डिफरेंट है वो यू नॉट जॉइनिंग जो कि जिस तरह से गेम चेंज हो रही है आप क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं क्या है आपके क्रिकेट के अंदर है, है? मसला ही नहीं है Again, बॉलिंग को नहीं लाना बीच में नहीं वो मैं खैर कभी पच्चीस साल तक ना आपकी बॉलिंग ने आपको पचास साठ साल सर्व की है उसको आप बैटिंग पे आए

हम होते तो पता नहीं क्या कर लेते वो मतलब कि उनसे भी कुछ भी नहीं था हो सकता अब गेम तैयार नहीं होता एक्चुअली उनकी भी प्रोडोमिनेटली जो डिस्कशन थी ना इट वाज अराउंड बैटिंग ठीक है और उसी पे वही वो बात करते रहते एंड हमारे कैप्टन कन्वीनियंटली ये कह के साइड पर हो गए थे कि बैटिंग ठीक थी, परफॉर्म नहीं ने ने किया। ठीक <laughs> है ना सो so, बरी जमा हो गए तो वो मैं यही कहूंगी कि वो वाली बात जो है कि पाकिस्तानी यू नो इज अ फ्रॉड टू दिस टीम, जो कि वो कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं और इसका जो है मतलब जो मार था जो इंजीनियर वो तो मतलब मिसबाउल हक था अलहमदल्ला मेरी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि मैं अभी भी थोड़ा सा हर्ट होती हूँ बट आई थिंक टाइम हील्स एवरीथिंग सो लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मैच अभी भी फैजान लखानी साहब ने बिल्कुल ट्वीट किया हुआ था कि लास्ट टाइम भी हमारे पास तीन पॉइंट्स थे एंड यू नो वी लॉस्ट कपल ऑफ मैच एंड देन वी वॉन्ट थ्री मोर मैच इन नाइनटीन और फिर हम आगे आ गए थे नहीं वो ठीक है लेकिन मसला मैं बड़ा कन्विस्ड हूँ इस बात पर मैच तो ये जीत ही सकते हैं मैच तो कोई भी जीत सकता है लेकिन अगर इन्होंने उसी तरह जीतना है कि लल्ली सी बैटिंग करेंगे उसके बाद बॉलर आके जितवा देंगे तो हमें नहीं चाहिए इ, अब ना इनको डिस करना शुरू कर दें अब कुछ करना के आप यहाँ तो जिस तरह पूरी दुनिया खेलती है एट डेथ तो डिफरेंट होते ही पैदा हो जितने सारे होंगे ने तो तो ये तो जिस तरह पूरी दुनिया खेलती है आप खेलो नहीं तो आप हमें नहीं चाहिए also, this is not even your game, जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं हैं ठीक ठीक है? है? जिसे कहते ना कि इम्प्रोवाइज बाय द इंग्लिश ठीक है उन्हीं की चलनी है आपकी नहीं चलनी है तो ये जो माइंड सेट है ना कि हमारा तो उफ, हम तो ये वाली गेम खेलते हैं गेम पर एनी वे आई होप सो के नेक्स्ट मैचेस के अंदर uh,

कुफर टूटा जो है ना इस चीज़ का कि जी हमसे पावर प्ले में छक्का नहीं लग रहा था छक्का नहीं लग रहा था फाइनली हमने छक्का भी लगा oh, wow. हाँ पावर प्ले में और एक नहीं दो ठीक है सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट बाकी जो है आई होप समथिंग चेंजेस बट एनीवे नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं उसी के ऊपर जो कि uh, कायदे मोहतरम ठीक <laughs> है एंड नवाज शरीफ इज़ बैक इन एक्शन और आप लोगों ने देख ली होगी कवरेज कवरेज भी देख ली थी टीवी की भी आपने देखी आ, और से कबूतर कबूतर उनके पास आए अब फोर्स किए थे थे ना कबूतर जाने के लिए थे, उनको वो, करें, लीग को कभी को आ नहीं सकता है वो बेसिकली जब बीबी आई थी ना दूसरी दफा वापस तो वो उनके उस पर थे ना तो मियां आ एक चीज के लिए मशहूर थे खाना ठीक है और आपने वो नहीं दिया आप उस रवायत को नहीं बरकरार रहे थे, आपने यहाँ से जो है ना पिजन उठा के लिया है बीच में कबूतर आ जाए खैर मैंने तो खैर उनकी आ, सुनी भी नहीं थी स्पीच बिकॉज आई वॉज प्योरली प्योरली देयर जस्ट टू नो कि हाँ जी ग्राउंड पे लोग कैसा महसूस कर रहे हैं बाद में मैंने थोड़ा बहुत सुना था कि तो उन्होंने कहा हुआ था कि मियाँ साहब ने लाहे अमल देने आगे का तुम तो मुझ पर रुकी नहीं मैं 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 कहा था अच्छा जैसे मियाँ आए ना

ये क्या होने लगा है मेरा दिल मैं ना थोड़ी देर के लिए देखने लगी कि कुछ और तो नहीं चल रहा टीवी टी वी के ऊपर सो दोज द सीन्स आई डोंट नो कि वो ब्रॉडकास्ट हुए थे नहीं कि हमें वो इस सब कुछ क्रिंज सुनना पड़ा था बट मियाँ साहब आ गए एंड ऑल्सो आज उन्होंने वो पेशियाँ भी दी और उनको टाइम एक्सटेंड करके ज़्यादा टाइम एक्सटेंशन उनको नहीं मिल रही है तीन दिन दो दिन ठीक है नहीं लेकिन अजीजिया रेफरेंस वगैरह में तो सजाएं सस्पेंड हो गई उनकी अदालत जाए बगैर वो जो यहाँ पे थी ना हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट जो आज वो पा गए हैं ना तो उन्होंने उनके जो है वो तीन दिन मजीद बेल बढ़ा दिया सो हिज़ गंदा भी आउट देयर टिल 26 आई गेस वरना मतलब जाहिर है मैं नाम तो ले सकता लेकिन एक जगह ने एक जज साहब कह रहे थे कि यार ए हुन मेरे को जड़ियाँ लगिया ने लोगों दिया लोगों के जोड़े केस लगे ने वही ते ते <laughs> था <laughs> वट इज रॉन्ग विद यू गाइस आपकी ये उम्मीद कैसे है कि वो कुछ प्लान लेकर आएंगे और कुछ क्या प्लान था प्लान उनके साथ सीढ़िया उतरा है जय इसमें आए हुए इसको समझ ले आप जी इसका जैसे डिनर औरतें कभी नहीं ना छोड़ती इसका तरह मियाँ साहब ने इस आगटार को नहीं छोड़ना है इस गन अयर ठीक है दैट इज द ड्रीम टीम एंड इस तो यही टीम बनेगी और यही सारे आएंगे अलबत् मुझे इनकी ये बात फिर से अच्छी लगी मुझे नहीं पता कि इस बात पर इनके साथ होगा क्या लेकिन उन्होंने कहा कि हम सलूक ठीक करना है नहीं नहीं वो तो हमेशा से मियाँ साहब जो है ना ये तो पहले दिन से कहते हैं मियाँ हाँ। साहब बल्कि ये जो है शिकायत भी करते हैं और बहरहाल ठीक भी है उनकी ये शिकायत कि मियाँ साहब के जब जब भी ख़िलाफ़ हुई है इस्टेब्लिशमेंट मतलब ज़ाहिर है ज़्यादातर तो साथ ही रही है लेकिन जब जब भी खिलाफ हुई है उनमें से जो बहुत मुख्तलफ जो रीजन थे एक हमेशा से ये रहा है कि मियाँ साहब मसायों से अच्छे तल्लु जाते थे hmm. तो इसमें which, तो कोई शक नहीं है इसमें कोई शक नहीं और विच इज ऑल्सो नॉट अ वेरी बैड थिंग टू डू यू विश नीड टू फिक्स दैट खैर हाँ सो so बाकी वो भी अभी उसके बाद कल मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की काकड़ साहब ने और किसी रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया जी वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं हो रहा ये तो एक पलड़ा बहुत भारी हो रहा है तो उन्होंने कहा जी कि लेवल प्लेइंग ये होता है बस ऐसे आप तो फिर 2018 में आप देखें कि जो जनूबी सूबा महाज बना था वो कैसे बन गया था वो कैसे एक पार्टी के पास चला गया था तो वो आगे से पता नहीं कुछ बोलने की इजाजत मिली कि नहीं रिपोर्टर को लेकिन सवाल तो फिर वही है कि वो किसने बनाया था काकड़ बोलो ना

लेकिन अभी ना उनके पास सारा मटेरियल इकट्ठा नहीं हुआ होता कि वो रेड करके क्रैकडाउन करके खत्म करके पकड़े वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि जिस वक्त ना देखने वाला आप में वो कह रहे होते हैं कि यार बस यहाँ पे वाइंड अप कर और निकल पैसे लेके बस इधर खत्म कर इधर हाँ, निकल हाँ, नहीं हाँ। तो यहाँ ना एक बड़े एक आइडियल से टाइमिंग कोई मिया साहब को ना दे देख साल में ढूंढनी पड़ेगी कि बस हो निकलो ऐसे तो पहले कि कुत्ता पड़ हो ही ना जाए कि मियाँ साहब जो है वो टाइमिंग को रीड करते हुए कुर्सी नहीं कोई छोड़ता अ लाइक like, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आप लेके जा रहे हो लेकिन कुर्सी कोई नहीं छोड़ता और वैसे खैर वो ठीक भी है <laughs> उसकी वजह ये नहीं छोड़ी जा अगर आपको ये पता है कि ये कुछ हकूमतें ही रह गई हैं इसके बाद को बहुत ही स्ट्रक्चरली कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी क्योंकि ये तो चल ही नहीं सकता ऐसे तो फिर वो यू माइट इज वेल मतलब एंड तक आप मिनिस्टर हो बजाय <laughs> छोड़ रहे वो अली वैसे भी मैंने जितने लोगों से ये सवाल पूछा था ना मैं कहा होम जे छाट गया फिर की करोगे सबका कर जवाब था नहीं होम नहीं है जाना होम तो कोई चॉइस ही नहीं है बाजी होम तो ऐसे आई वाज लाइक बिलीवर्स ऑफ कायद हैव बीन थिंकिंग द सेम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि ऐ है तो लेकिन ये कि उनका एक वो है कि ना और वही हम जो पहले जिसका ख़तरा था हमें कि हम यही बात कर रहे थे ना कि डॉलर नीचे चला गया था देखें वो आया भी नहीं तो डॉलर नीचे चला गया वो आया भी नहीं तो पेट्रोल नीचे चला गया एंड एवरी थिंग देयर एयर सो लाइक इतना आपका कामिल यकीन चल रहा है हाव एवर मुझे ये आ, बहुत ज़्यादा महसूस हुआ सारा कुछ करने के बाद भी वापस भी आया एवरी एल्स

अपर हैंड ही उसकी वैसे वजह है कि जिनका भी नॉर्मली का ये ख्याल था कि मतलब वो टैंक तोड़ देंगे तो टैंक तो नहीं इटों से टूटता ना मतलब ये तो बड़ी फजूल सी हरकत थी आप मेरे ख्याल में माफ कर चाहिए लेकिन हाल मैं उस पर थोड़ा खुश भी हूं जो फर्दे पे हुई है ना साइफर केस में जी और उसकी मैं तो पहले दिन से ये कह साइफर साइफर रहा कि उनको कोई आप गद्दार बना के सजा दे दो लेकिन बहरहाल थोड़ा सा रगड़ा उसमें इसलिए साइफर के ठीक होने का तो बात ही कोई नहीं साइफर अगर गलत भी था ना साइफर नहीं लहराने चाहिए

Will be translated, अगर हमारे program, हमारी की ना करें अच्छा इससे पहले कि हम आज का हमारे पास मुझे टाइम काम ही रह गया होगा मैं एक जो है ना करेक्शन करना चाहता हूँ आप कहते हैं तो और वैसे भी वो करेक्शन के अलावा मुझे थोड़ा सा मैसेज आया है अली मुर्तजा अजीम साहब का उन्होंने कहा कि अली आर बिल्ड वेरिएशन बिटवीन बेस कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फ्यूल दे आल्सो इंक्लूड डॉलर रेट कैपेसिटी चार्जेस आर ऑल्सो नॉर्मल फ्रॉम प्रोडक्ट्स दे नीड अटन गारंटी टू मेक द इन्ट वायबल यू कैन गेट रेड ऑफ कैपेसिटी चार्जेस बाई मेकिंग इलेक्ट्रिस बटर्स विल है टू कंसल्ट एन इकोनमिस्ट और अकाउंटेंट बाई द वे लवर शो अच्छा उसके साथ इन्होंने मुझे ये एक पीस भेजा है जिसके मुताबिक अमरीका के mm. जो उसमें हैं चार्जेस फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कि उनके बिल में लग के आते हैं कैंटकी में वो इस दफा ज्यादा लाग के आए हैं वो भी हाँ। उन्होंने भेजा अच्छा, है अच्छा अब ये जो है ना इसमें दो इन्होंने चीजें बातें की है हमारी ही करेक्शन की है एक कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर और दूसरा के अच्छा जो जो एक तो ये कि हमारी जब कोई करता है ना तसीह तो उस पर मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता हम तो गलती हो गई हमने आप इसको हम सीख रहे हैं आपके साथ लेकिन जब कोई ये बात करते ना कि फलानी चीज ना एक्सपर्ट से बात कर लो या फलानी चीज़ इकोनॉमिस्ट से बात कर लो या फलानी चीज़ अकाउंटेंट से बात ना मेरा दिल दुखता है वो मेरा दिल इसलिए दुखता है कि अमूमन ना इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स तब दिए जाते हैं मैं इनकी बात नहीं कर रहा अली मुर्ज़ा साहब की ये तो ज़्यादा अच्छे उसमें कर रहे थे लेकिन हमारे यहाँ पे जब बहस के दरम्यान में कोई ये कहता है ना कि यार

वो तो हमने जो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट या अकाउंटेंट उस तो हमने नाम लेके बात की थी कि वो आ, उसने की है रोग इकोनॉमिस्ट जो है रोग जी वो अमार जो है अमार उसने, बात की, भी उसने थी? बात की थी पाकिस्तानी में हमने ये भी जिक्र किया था कि वो कुछ कर तो वो एक्सपर्ट है अगेन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो ठीक कह रहा होगा एन मुमकिन है वो गलत कह रहा हो उसकी वजह यह कि इकोनॉमी के बारे में ना ये आम बात है के दो बंदे इकॉनमी एक के ऊपर एक नोबेल प्राइज शेयर कर सकते हैं जिसमें उस उस बात पे उस इशु पे दोनों की राय बिल्कुल एक्सट्रीम ऑपोजिट है और दोनों ही हालत कह रहे हैं हाँ, नोबेल हाँ, सर ये इकोनॉमी में तो इस तरह होता है और बेसिकली यही है कि आपने एक नई बात सोचनी है ठीक गलत तो एक अलहद इशू है बहरहाल वो तो हम अपने पास से कर ही नहीं रहे थे तो वो, वो सही हाँ। है गलत है वो अमार खान पे जाते हैं हाँ अच्छा दूसरी जो हमने बात की थी ना जो आ, वो बिल्कुल मैंने कहा था जी कि और कहां पे लगते हैं आपको बेसिकली पहले पता होता है कहाँ पे लगने से बोला आपको पहले पता होना चाहिए कि आप जो चीज इस्तेमाल करने लगे हो उसकी प्राइस क्या है आपको तीन महीने बाद कैसे पता लगता है कि अच्छा तीन महीने पहले की अब ये प्राइस है उसमें कोई शक नहीं है ये उन्होंने जो चीजें भेजी मैंने वो पढ़ी अच्छा। फिर उसके अलावा मैंने और चीजें पढ़ी इंग्लैंड अमेरिका सारा कुछ बिल्कुल आ, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वहां भी लगते हैं हम गलत थे लेकिन बहरहाल फर्क थोड़ा है वहाँ पे एक पास थ्रू सीलिंग होती है अच्छा जो कि यहाँ पे नहीं होती वहाँ पे हर दफा तो नहीं बिल में आते <laughs> यहाँ तो हर दफा बिल में आते चैलेंज <laughs> है चैलेंज ठीक है दूसरी चीज ये वो लोग तो कभी कभी पैसे वापस भी करते हैं

हमारा जो रेट लिस्ट बढ़ती है मतलब जो हमारा टैरिफ ही बढ़ता है यार दूसरे तीसरे महीने ठीक है अब वो इतना नाजायज़ है ठीक है उसमें ज़रूर आपका डॉलर एक्सचेंज का भी फ़र्क पड़ रहा होगा आपकी और भी दीगर मिसाइल पड़ रहे होंगे लेकिन हम जो कहते हैं कि जी आईएमएफ के कहने में बढ़ा दिए हालांकि आईएमएफ ने कहा या नहीं इनका ये जो होता है उसमें एक ये भी तो है ना कि यार टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही कहाँ से कलेक्शन करें बिजली का टैरिफ बढ़ा दो फलाना नहीं हो रहा कहाँ से करें बिजली की कीमत बढ़ा दो अब ये जो बिजली की कीमत बढ़ाना है ना ये इतना अजीब सा मामला है उसकी वजह एक है उसकी वजह ये है कि अभी तक तो हमारा अलहमदुल्ला कोई दिल ही नहीं है ना तरक्की करने का लेकिन अगर कभी किसी का माइंड बन गया हाँ। कि जी तरक्की करनी है ठीक है तो फिर उसने चाहे आईटी में करनी है चाहे एग्रीकल्चर में करनी है चाहे ये मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी चीज में करनी है तो उसको एनर्जी चाहिए अब वो एनर्जी अगर इतनी महंगी होगी तो वो अपनी अगर एनर्जी के रेट इतने फ्लक्चुएटिंग होंगे और उसकी फोरकास्टिंग ही नहीं हो सकती होगी और वो तो कैसे करेगा नहीं, तो खैर यहाँ पे तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज उनके बिजली के या तो बिजली पहुंच नहीं रही होती है, बिजली का इतना ज़्यादा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं उनको अपनी क्वालिटी भी इस तरह करनी पड़ती है सो so, खैर वही मेरा शिट होल एनी वे खैर एनी वे दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड वही करें जो आपको करना चाहिए ठीक है शादियाँ बर्थर्स हैं प्लीज़ कीप सेंडिंग मनी एंड विल सी यू टमोरो ओके जी खुदाफिज